हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ प्लेन सूट के हम पटियाले हैवी सूट कैसे बना सकते हैं। तो मैं कुछ आइडियाज देने वाली हूँ इस वीडियो में एंड अपने अकॉर्डिंग आप सिलवा सकते हैं। तो गाइस, फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है रेड कलर का। रेड कलर पे अगर आप ग्रीन कलर की लेस लगवाते हैं सूट पर तो बहुत ही अच्छा सा लुक उभर कर रख के आता है सूट का। और उसका अगर दुपट्टा थोड़ा हैवी में करना है तो या तो आप जो नेट का दुपट्टा रहता है या आप पाकिस्तानी जो दुपट्टा रहता है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं दुपट्टा, लेकिन थोड़ा दुपट्टा हैवी में चलता है तो पटियाला जो सूट रहता है वो एकदम उभर करके आता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारे येलो कलर का एंड जो डार्क पिंक वाला रहता है दुपट्टा वो रहेगा एंड आप इस पर लेस वगैरह या लगवा सकते हैं या प्लेन भी आप लगवा सकते हैं, बट इसका जो कपड़ा होगा वो थोड़ा जॉर्जेट में होगा जो सॉफ्ट वाला है, तो काफ़ी अच्छा लुक उभर कर आता है सूट का। नंबर थर्ड का जो सूट रहेगा वो रहेगा स्काई ब्लू कलर का। आप उस पर लेस वगैरह भी लगवा सकते हैं, वैसे प्लेन भी बहुत ही सुंदर सा ओवर कर कहते हैं। जो दुपट्टा रहेगा वो थोड़ा हैवी में रहेगा जिसपे वर्क वगैरह हो रखा, तो एकदम पंजाबी लुक ओवर करके आता है एंड आप इस पर लेस वगैरह या गला, इसका तो खैर बंद गला है लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, तो ये भी लुक बहुत ही सुंदर सा आता है। नंबर फोर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन वाला है, प्लेन सूट में है एंड ये पूरा ही आगे आप इस पर साइडों में पाइपिंग वगैरह या लेस वगैरह लगवा सकते हैं बारीक वाले। अगर मैं दुपट्टे की बात करूँ तो इसमें जो जयपुरी जो दुपट्टा होता है वो आप वेयर कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा लुक उभर के रख के आता है। जो पटियाला लुक आपको चाहिए होता है ना, मतलब सस्ते में आप लोगों को इतने सारे आइडियाज देने वाली हूँ प्लेन सूट में। जो पंजाबी लुक चाहते हैं, ऐसे पंजाबी जो सूट सिलवा रहे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और सस्ते में भी हो जाते हैं। नंबर जो पांच रहेंगे इसमें हमारे चार सूट रहेंगे, पिंक रहेगा एंड ग्रीन रहेगा फर्स्ट नंबर पे, तो आप इस पर लेस वगैरह हैवी लेस लगवा के एंड जो दुपट्टा होगा वो भी इसमें आप हैवी ले सकते हैं। और जो नंबर टू पर है ये है पूरा ब्लैक कलर का, आप इसमें रेड कलर की पाइपिंग लगवा सकते हैं, रेड कलर का दुपट्टा ले सकते हैं, ब्लैक कलर का जो सूट रहता है वो बहुत ही सुंदर सा लुक उभर के आता है। नंबर जो थर्ड रहेगा ये रहेगा, नंबर थर्ड पे ये है ब्राउन एंड येलो कलर, बहुत ही सुंदर सा आ रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन इतना अच्छा आ रहा है ब्राउन एंड येलो का, बहुत ही सुंदर सा, तो आप इस पर भी हैवी दुपट्टा भी ले सकते हैं आप, तो बहुत ही सुंदर सा लुक उभर के रख के आता है पंजाबी जो सूट रहते हैं। फोर नंबर पर रहेगा ये हमारा ब्लू कलर का रहेगा एंड ऑरेंज कलर का, आप इस पर पाइपिंग या लेस वगैरह लगवा के बहुत ही सुंदर सा लुक आता है। पता है क्या होता है, कलर एंड जो कलर होते हैं ना, बस थोड़ा सा कलर का हेर फेर होता है, अगर कलर अच्छे हो तो सूट एकदम बहुत ही सुंदर सा बन के तैयार हो जाता है। नंबर सिक्स नंबर का जो रहेगा वो रहेगा येलो एंड ब्लू कलर का, ब्लू कलर की जो कुर्ती रहेगी उस पर आप येलो कलर की लेस लगवा सकते हैं और जो दुपट्टा रहेगा वो मिक्स करके आप कलर करवा सकते हैं या हैवी दुपट्टा भी ले सकते हैं येलो कलर का, तो ये सूट भी बहुत ही सुंदर सा आपको मतलब लुक उभर के देगा। तो आप प्लेन सूट का आप जैसा मर्जी, मतलब बस थोड़ा सा कलर का ही हेयर फेयर होता है, अगर कलर सही चूज कर लेंगे यानी कि कॉम्बिनेशन अच्छे से हम चूज कर लें तो प्लेन सूट का ही बहुत ही सुंदर सा सूट तैयार हो जाता है हमारा। नंबर सात पे जो हमारा रहेगा येलो एंड ब्लू रहेगा, तो आप वहाँ पे मैंने मतलब उल्टा भी करके सिलवा सकते हैं थोड़ा, अगर मैंने येलो सलवार बताई है या वो बताया तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कलर है दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा सा उभर के आता है लुक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो कलर एंड ब्लू कलर की सलवार हो गई, तो ये लुक भी मतलब ये कलर भी बहुत ही अच्छे से कॉम्बिनेशन आके बहुत ही अच्छा सा दे रहे हैं एंड हैवी दुपट्टा ले सकते हैं आप, तो बहुत ही सुंदर सा सूट इसका भी बन के तैयार हो जाएगा। नंबर एट पे जो हमारा रहेगा वो रहेगा येलो एंड रेड, इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही सुंदर सा लुक उभर करके देगा आपके। जो प्लेन सूट हो गया आप उस पर लेस वगैरह लगवा सकते हैं एंड दुपट्टे की अगर मैं बात करूँ तो आप हैवी दुपट्टा भी ले सकते हैं या नॉर्मल दुपट्टा भी ले सकते हैं, तो इसका भी कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर सा आ रहा है। नंबर नाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा ही रेड कलर का रहने वाला है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, बट इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो, ये पूरा ही रेड है, बट इसका जो कमीज का जो कपड़ा है एंड जो सलवार का कपड़ा है तो उसमें थोड़ा फेर बदल मतलब कर रखा है, क्योंकि इसमें प्लेन नहीं है, थोड़ा मतलब इसमें वर्क हो रखा है, तो जो कमीज का रहेगा तो उस पर आप अगर आप नॉर्मली एक जैसा सिलवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मतलब जो कुर्ती का कपड़ा रहेगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेना।
नंबर 10 जो रहेगा ये पूरा रेड कलर का रहेगा। इसमें देख सकते हैं इसमें कुछ भी मतलब सेम है एकदम सूट का, और जो मतलब कमीज एंड जो सलवार का कपड़ा है वो पूरा सेम है, बट इसमें दुपट्टे में थोड़ा सा चेंज कर रखा है। जो दुपट्टा है वो गोल्डन कलर का है, जो दुपट्टे पे ब्लैक कलर की साइडों में लैस लगा रखी, तो ये लुक भी बहुत ही सुंदर सा आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। वैसे पाइपिंग ब्लैक कलर की लगवा सकते हैं, बट ये सिंपल में बहुत ही सुंदर सा लुक उभर करके आ रहा है। 11 नंबर का जो हमारा सूट रहेगा, सच में बताऊँ ये पर्सनली मुझे को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल ही सूट है, बस दुपट्टे पे थोड़ा सा वर्क हो रखा है साइडों में। आप देख सकते हैं प्लेन सूट का एक हैवी सा जो पंजाबी लुक होता है वो ओवर करके आ रहा है। एंड ये सूट की अगर मैं बात करूँ तो ये आप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस वाले सूट का स्क्रीनशॉट लेके आप सर्च कर सकते हैं तो ये वाला सूट भी आपको मिल जाएगा। नॉर्मली आप अगर आप ऑनलाइन नहीं शॉपिंग करना चाहते हैं तो इस वाले सूट को आप नॉर्मली प्लेन सूट प्लेन कपड़ा लेके भी आप सिलवा सकते हैं अपने घर पर ही। नंबर जो 12 रहेगा वो एकदम रेड कलर में रहेगा, एंड जो दुपट्टा है वो भी पूरा रेड रहेगा, बट दुपट्टे पे वर्क वाला यानी कि हैवी दुपट्टा चलेगा, तो एक बहुत ही सुंदर सा लुक उभर करके आएगा। एंड गाइस अगर नई शादी हुई है तब तो एकदम बहुत ही मस्त वाला सूट लगने वाला है। एंड पंजाबी जो लुक चाहते हैं वो आप प्लेन सूट में भी अपने आराम से यानी कि अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। नंबर 13 जो रहेगा वो रहेगा बनारसी सूट का, आप मतलब बनारसी जो कपड़ा आता है आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। कमीज का जो रहेगा वो बनारसी में रहेगा, और जो सलवार का रहेगा वो प्लेन में रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। तो इसका भी एकदम पंजाबी जो लुक चाहते हैं प्लेन कपड़े से आराम से आप ले सकते हैं अपने बजट में। नंबर जो 14 रहेगा वो इतना अच्छा है ना, मतलब पर्सनली मैं इस लुक को लेने वाली हूँ, क्योंकि इस कपड़े को यानी कि मैं पर्सनली जब मार्केट में जाऊँगी तो ये वाला मैं सूट अपने खुद से ही बनवा लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंक लाइट रहने वाला है कमीज का एंड सलवार का, और जो दुपट्टा है वो डार्क पिंक में रहेगा, और उसमें लैस जो है ना लैस से इतना सुंदर लुक हैवी सूट का मतलब निकल कर सामने आ रहा है ना, बहुत ही अच्छा। पर्सनली मैं इस सूट को सिलवाने वाली हूँ। आप प्लेन सूट से ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे से सूट सिलवा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मतलब प्लेन सूट से कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। नंबर 15 की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रिंटेड वाला सूट कमीज रहने वाला यानी कि सूट सिलवार रहने वाला, इससे भी आप पंजाबी मतलब सूट ले सकते हैं, क्योंकि ये भी मीटर के हिसाब से आप नॉर्मली मार्केट से ले सकते हैं। तो इससे भी पंजाबी जो लुक आता है सूट का वो भी आराम से आप लोगों को मिल जाएगा एंड अपने बजट में मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये है नॉर्मली अगर आप कहीं दूसरे उससे लेते हैं पंजाबी जो सूट के नाम से तो 1500-2000 रुपये तक ऐसा मिलता है। नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ तो एकदम पिंक है, एंड पिंक पे ना वाइट कलर की लैस लगा रखी है, और ये जो जॉर्जेट रहती है सॉफ्ट वाली उसमें है, एंड बहुत ही सुंदर सा लुक उभर करके आ रहा है। पिंक की इस पर दुपट्टा रहेगा एंड बहुत ही सुंदर सूट लग रहा है। सभी प्लेन में हैं देख सकते हैं, फिर भी कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। बस पिंक एंड जो कलर है वो सब बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रखा है। नंबर 17 पे जो है ये है पर्पल लाइट कलर का है, ये भी आप देख सकते हैं मतलब पूरा ही प्लेन में है, बस इसका लैसेस वगैरह का वो है, एंड जो दुपट्टा है जो घुंघराली वाली लैस रहती है पर्पल कलर मतलब पर्पल कलर का जो दुपट्टा है आप उस पर गोल्डन कलर की या वाइट कलर की लैस लगवा सकते हैं, तो इस तरह का लुक उभर करके आएगा। सामने जो लाइट पर्पल कलर का रहेगा वो इस तरह का आएगा, एंड बहुत ही सच में बताऊँ बहुत ही सुंदर सा लुक उभर करके आता है इस वाले सूट का भी। नंबर 18 की अगर बात करूँ आप देख सकते हो पूरा ही प्लेन में रहेगा, ब्लू कलर का है ये, एंड इस पर गोल्डन कलर की लैस लगी हुई है, और पूरा ही जो दुपट्टा रहेगा उस पर भी गोल्डन कलर की लैस लगी हुई है, एंड आप अपने अकॉर्डिंग मतलब फ्रंट पे या पाइपिंग वगैरह लगवा सकते हैं या लैस वगैरह लगवा सकते हैं। तो ब्लू कलर का सूट भी प्लेन में बहुत ही सुंदर सा पंजाबी लुक आप लोगों को देता है। नंबर 19 की अगर मैं बात करूँ तो ब्लू कलर की कमीज रहेगी एंड पिंक कलर की सलवार रहेगी, दुपट्टा भी पिंक कलर का रहेगा। नॉर्मली अगर आप इस पे ना कोई दूसरा कलर चूज करते ना वो बहुत ही स्कूल की ड्रेस जैसे लगती, जैसे पहले सरकारी स्कूल में ड्रेस वगैरह रहती थी, बट यहाँ पर पिंक कलर जो है ना एकदम पंजाबी लुक दे रहा है इस वाले कलर को। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा पंजाबी लुक उभर करके आ रहा है।
नंबर 20 पे जो रहेगा वो पूरा ही पिंक कलर, यानी कि डार्क पिंक कलर का रहेगा। इससे भी आप जो दुपट्टा है, दुपट्टे पे गोल्डन कलर की या गोल्डन कलर की इस पर पाइपिंग वगैरह लगवा सकते हैं कमीज पर, तो इससे भी एक पंजाबी लुक क्रिएट उभर करके आता है। नंबर 21 जो रहेगा वो रहेगा रेड एंड वाइट, इसका भी कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर सारा। बट इसमें क्या हुआ है, इसमें जो बाजू हैं, बाजू में थोड़ी नेट वगैरह की बाजू लगवा के बहुत ही सुंदर सा लुक उभर करके आ रहा है। ये भी आप लोगों को पंजाबी लुक देगा। जो इसका फ्रंट की जो पल्लू रहेंगे उसमें कटावदार जो डिजाइन होता है वो निकलवा सकते हैं, तो एकदम बहुत ही सुंदर सा पंजाबी सूट तैयार हो जाएगा। नंबर 22 की अगर मैं बात करूँ तो येलो एंड रेड का भी कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर सा आता है। बट इसमें क्या कर रखा है, इसमें जो मतलब जो फ्रंट के कमीज के जो पल्लू हैं वो गोल कर रखे, तो इससे भी एकदम पंजाबी लुक उभर करके आ रहा है, आप देख सकते हैं। नंबर जो 23 रहेगा वो पूरा येलो कलर का रहेगा, बट उस पर जो कमीज पे रेड कलर की जो लेस लग के मतलब लुक आएगा ना सूट का, एकदम पंजाबी लुक आएगा, वो भी प्लेन कपड़े से आप बहुत ही सुंदर सुंदर से कलरफुल वाले पंजाबी सूट तैयार करवा सकते हैं, वो भी मतलब बहुत ही सस्ते दामों में। तो जैसे लेस लगी हुई है इसमें, तो ऐसा ही इसमें रेड कलर का दुपट्टा भी ले रखा है, तो बहुत ही सुंदर सा लुक उभर करके आ रहा है पंजाबी सूट का। तो गाइस अब इस वीडियो का एंड कर ही मिलती